भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिन्हें लोग आज भी उतना ही पसंद करते हैं जितना उस फिल्म की रिलीज के वक्त किया गया था। उन्हीं में से एक है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई थी। भारतीय सिनेमा के बादशाह कहलाने वाले शाहरुख खान और काजोल की स्टारर मूवी को भी इतना ही पसंद किया गया कि कई सालों तक मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में ये फिल्म दिखाई गई। वहीं आज फिल्म को 25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस फिल्म को बनाने के लिए आदित्य चोपड़ा को कितने पापड़ बेलने पड़े शायद ही आपको पता हो। तो चलिए जानते हैं मूवी बनने के पीछे की दिलचस्प कहानी। इस मूवी के लिए यश चोपड़ा ने आदित्य चोपड़ा को शाहरुख खान को लेने का सुझाव दिया। शाहरुख खान भी इतनी जल्दी कहां मानने वाले थे। उन्हें मनाने के लिए आदित्य ने उनके साथ 4 बार मीटिंग की, तब जाकर शाहरुख खान मूवी करने के लिए तैयार हुए। लेकिन अगर इस बार भी शाहरुख नहीं मानते तब वह अपनी मूवी के लिए शर्मिला टैगोर के बेटे सैफ अली खान को अप्रोच करते, लेकिन आखिर शाहरुख सिमरन का राज बनने के लिए तैयार हो ही गए। शाहरुख के राजी होने के बाद अब बात आती है मूवी के टाइटल की। तो इस मूवी को टाइटल दिया अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर ने, जिसे पहली बार में ही पसंद कर लिया गया था। वहीं मूवी की शूटिंग के दौरान मुश्किल तो तब आई जब एक गाने के सीन को फिल्माने के लिए आदित्य चोपड़ा की मनपसंद जगह कहीं नजर नहीं आई। दरअसल आदित्य मूवी का गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम की शूटिंग पीली सरसों से लहलहाते खेतों में करना चाहते थे, लेकिन सरसों की फसल का मौसम न होने की वजह से उन्हें पूरे पंजाब में घूमने के बाद भी सरसों से लहलहाते खेत नजर नहीं आए। हर जगह पूछने के बाद किसी ने उन्हें गुड़गांव जाने की सलाह दी और आखिरकार उन्हें अपनी मनपसंद जगह मिल ही गई। वहीं इस गाने में शाहरुख ने जिस जैकेट को पहना है उसे उदय चोपड़ा ने खास तौर पर कैलिफोर्निया के बेकर्स फील्ड में हार्ले डेविडसन के शोरूम से $400 में मंगवाया था। इतनी मेहनत के बाद इस मूवी को पूरा किया गया, लेकिन कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला। 25 साल होने के बाद भी इस मूवी का जादू आज भी बरकरार है।